हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इस ब्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं नन्नूपट्टी और बासित भाई हम लोग को इनवाइट किया था और हम लोग को मतलब देखने के लिए आए हैं कि आम किस तरह मतलब के निकाला जाता है और किस तरह कैसे कितना मेहनत लगता है आम को निकालने में। तो आज हमको बासित भाई आज हमको बताएंगे। और बासित भाई हमारे इधर हैं, आइए ना भाई, इधर कहाँ भाग रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अभी अब बताएंगे। पहले ये आम के पेड़ में मंजर होता है जिसको आम भाषा में फूल कहते हैं। उसके बाद छोटा छोटा इसमें टिकला लगता है और इसमें दवाई कई प्रकार की दिए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टिकला बड़ा होता है आंधी तूफान से बच के, और ये थोड़ा बहुत टिकला इसमें बच गया है। दिखाइए, यहाँ तो 6 गाछ अभी। मतलब ये टिकला किस काम में आ सकता है, इसको यूज करने के लिए? अभी इसमें ये कच्चा है तो मतलब कि अचार बनाने में इसका काम आएगा। और कुछ दिन में ये पकेगा, पकने के बाद इतना रसीली आम होती है ये, जो होंठों को मिला देती है, जो होंठों को मिला दे। और खाने के बाद आपको नींद बहुत तगड़ी आती है शाम खाने के बाद भाई साहब। हाँ मलि भाई, ले इस पे आप कुछ गुफ्तगु करना चाहते हैं कि आप नज़ारा ले रहे हैं आम का? ये आम जो देसी हुआ अपने से मतलब के बगैर खाद बीज का उगाया जाता है। और इस आम में जब मंजर आता था सबसे पहले इसकी खुदाई की जाती जड़ के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं जैसा कि आप लोग, जिसके अंदर पानी होने दिए जाते हैं जी लगातार। और सुनते हैं बकरी का मतलब भेड़ भी दिया जाता है ना? नहीं, हम लोग कुछ भी ऐसे यूज नहीं करते, नहीं करते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा बहुत सिर्फ स्प्रे कर देते हैं, कीड़ा नहीं लगेगा आम में। यहाँ देखिए जैसे कीड़ा लग गया है, मंजर आने लगता है। अगर हम लोग इसमें अगर स्प्रे नहीं करें तो बहुत सारा कीड़ा सब आम में लग जाएगा। जैसे देखिए अभी भी लग रहा है इसमें, फिर से स्प्रे करना पड़ेगा इसमें। हर साल वही तरह हो जाता है, पिल्लू कीड़ा खा जाता है लगभग, इसीलिए स्प्रे आप करने का वक्त आ गया है। जी जी, 10-20 आम को लगभग हर साल ही खा लेता है कीड़ा। यही है, मेहनत करना पड़ता है। आइए आपको थोड़ा लीची अदरक दिखा दो, उसमें लीची थोड़ा। लीची भी है? हाँ, देसी लीची है। ये देखिए दो चार ही है इसमें, लेकिन बच्चा है ना, छोटा है। हाँ, बच्चे लोग लीची तोड़ गए समझे। अच्छा, बच्चा हुआ था अच्छे से। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा, देखिए ये लीची अभी छोटा छोटा है, कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद तो मीठा लगता है। फर्स्ट टाइम ये फला लीची इस बार, अभी कच्चा है ये, अभी कच्चा है, हमको तो पता। इसमें भी दो चार लगा हुआ, इसका स्वाद कैसा है? इसमें भी दो चार है ये है, लेकिन बड़ा होने के बाद पता चलेगा इसका। फर्स्ट टाइम फला ये लीची है इस बार। हाँ, हर जगह मतलब खड्डा खुना हुआ है। और वहाँ एक अपने देसी जलेबी दिखाई भाई साहब, जलेबी दिखाई, देसी जलेबी, जूम करिए थोड़ा सा। हाँ, एक जलेबी तो आप बहुत खाएंगे, लेकिन ये जलेबी बहुत ही मशहूर जलेबी है। एक डल्ले में छाना जाता है और ये गाछ में फलता है जलेबी। मतलब अंधेरा सा आ रहा है, दिख नहीं रहा है, आप गौर से देखिएगा तब आपको ये दिखाई देगा। हाँ, इधर से अंधेरा सा आ रहा है, मतलब माजरा चाहते हैं आप लोगों से। और आइए इधर, लीची दिखा दो, बहुत बड़ा लीची। और ये दूसरा पेड़ लगा हुआ बासित भाई के, जो यहाँ देखिए चिपला हुआ है। देखिए इस तरह गुच्छे में लीची फलते, गुच्छा में। हाँ, ये बड़ा पेड़ है ना, इसीलिए बड़ा पेड़ है, इसलिए इसमें गुच्छा में पड़ा। इसमें होगा लगभग नहीं तैयो तो लगभग कम से कम इसमें होगा 2000 लीची से कम नहीं होगा। ये बासित भाई का छोटा सा बागीचा है, इसमें मतलब के पूरा बाहर तो नहीं सेल कर सकते, घर के ज़रूरियात पूरे हो सकते हैं। घर के ज़रूरत पूरे हो सकते हैं। हाँ, अपना जो भी है गेस्ट वेस्ट आता है, और अपने क्या कहते हैं फैमिली के मेंबर लोग हुए, इधर उधर हुए, रिश्तेदारों सब हुए, उनमें बांटा जाता है थोड़ा बहुत, दो चार दस बारह करके। हाँ, कि घूरन भी पहुंचता है यहाँ से आम। अच्छा अच्छा, इस बार सुपौल भी पहुंचा था और इस बार भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा। इस बार तो हजरत साहब नहीं रहेंगे, मौलाना फजले साहब। उसको वीडियो कॉल पर दिखा दिया जाएगा आम को, समझे हजरत, वीडियो कॉल पर आमों का दीदार कर लेंगे। दीदार करने से मन भर जाएगा हजरत आपका, लग रहा। केला दिखा दे, केला ही फलता मेरे सामने। बहुत सारे सामान दिख रहे हैं कि हर चीज का दरख्त लगा रखे हैं। हाँ, छोटे बागीचे में बड़े बड़े धमाके हैं। देखिए केला इस तरह फलता है, ये देखिए अभी छोटा छोटा है, बड़ा हो रहा धीरे धीरे। और अभी इधर भी देखिए आगे, इधर भी फला हुआ है। और ये नजदीक से आपको दिखा रहे हैं, ये फला हुआ केला है, ये अभी और बड़ा होगा, इतना बड़ा इसको छील के खाते भी है ना, बड़ा हो जाने के बाद बच्चे लोग खाते हैं। हाँ, ये ठंडा होता है, बिल्कुल ये ठंडा होता है। हाँ, जिसको जॉन्डिस हो गया वो यूज कर सकते हैं आराम से इसको।
अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आप डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।